राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक भाषा अपनाइए। ये गुंडागर्दी वाली भाषा नहीं होती है क्या? आपको नहीं लगता ये गुंडागर्दी वाली भाषा है? चौराहे चौराहे पर पंचायत जोड़वाएंगे, चौराहे चौराहे पे पंचायत। गुंडागर्दी से वोट नहीं पड़ेगा, वोट तो एक राजीबाजी से पड़ेगा, काम से पड़ेगा। अगर जूता दिखाओगे तो वोट कौन डालेगा? नहीं डालेगा। आप साके समाज के हैं, साके समाज को दबाया जा रहा है क्या? दबा नहीं, दबाने वाली बात ही और क्या है? ये दबाने वाली बात ही और क्या है? और ये दबाने का मतलब ये हमको, ये अगर ये सरकार बनती है तो हम लोगों को ये उखाड़ देंगे यहाँ से, ये हम लोगों को यहाँ से उखाड़ देंगे और निकाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं ये लोग? आप लोग सारे लोग साक समाज के ही लोग? साक समाज से हैं जी। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, रामगोपाल जी यादव कह रहे हैं, साक समाज के जो हमारे कद्दावर नेता हैं, साल साल से डिप्टी CM हैं, साल साल से जो उड़न खटोला पड़ गया है, जो हेलीकॉप्टर से चलता है, तो उसकी इतनी कीमत घट जाएगी कि भाई पंजे जुड़वाएंगे उस आदमी से? ऐसा अगर ऐसी बात कहने से उन्हें ये सोचना चाहिए था कि सात समाज को इसका इससे इसका कितना प्रभाव गलत जाएगा। हम लोग इसके बहुत खिलाफ़ हैं, बहुत निंदा करते हैं और हर कीमत पे हम लोग केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं। मतलब इस बयान से नाराज़गी है? नाराज़गी हमने आपने कहा, इतनी नाराज़गी है, हम लोग पूरा समाज नाराज़ है इस बात से। केशव मौर्य अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, राष्ट्रपति हैं उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, तो साक समाज में केशव मौर्य से बड़ा नेता और कौन है हमारे समाज में? बात करते हैं वो। क्या लगता है कि इस बयान से एक तरीके से पूरे मैनपुरी चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो उन्होंने टीका टिप्पणी की है हमारे नेता पे, उसके विरोध इतना है, रोष इतना है हमारे समाज में, उसका जो है 7 तारीख को जब मतदान होगा तो रोष उभर के आ जाएगा। पूरा गांव-गांव में विरोध दिख रहा है? हम पूरे गांव में घर घर में विरोध दिख रहा है। हाँ। जी बहुत भयंकर रूप से विरोध दिख रहा है। रामगोपाल ने कहा है तो उसका विरोध का सामना जिला मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जी तैयार हैं पंचल वो सही करने के लिए? पंचल उनका बिल्कुल सही कर देंगे, तो आपकी बार पंचल बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो हमारे समाज में जो टिप्पणी की है वो बहुत निंदनीय है। ऐसी बात उन्हें इतने बड़े नेता को नहीं कहने चाहिए, सोच समझ की बात करनी चाहिए। अब सारे ज़िले में एक इसकी जो लहर चल गई है वो जो है 7 तारीख को वोटों को द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। आप लोग ठीक कर देंगे? बिल्कुल पंचर ठीक कर देंगे। कैसे? वोट के द्वारा करेंगे। वोट के द्वारा? हाँ। पे करके कि कैसे? नहीं, वोट इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, अगर पंचर साइकिल चलने लायक ही नहीं रहेगी। किसको पड़ेगा? ठाकुर जयवीर सिंह को पड़ेगा। आप तो समाजवादी पार्टी का डाले हुए हैं? समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं हम इसलिए। क्यों? क्योंकि समाजवादी है, चलेगी और क्या। माहौल है यहाँ पे? माहौल है क्यों नहीं, हमारे इधर जाओ माहौल पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि इस बार जा रही हैं भाभी? नहीं, वो तो पता लगेगा जा रही हैं कि आ रही हैं, और वो तो आपको भी पता है आ रही हैं कि नहीं आ रही। आगे जा कि इस बार मतलब किला खत्म हो जाएगा, ढह जाएगा, वो तो बाद की बात है, हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा वो तो देखेंगे फिर बाद में। आप लोग क्यों वोट करेंगे डिंपल जी को? हमेशा करते आए। मतलब किस वजह से? सही है इसलिए। हा? सही हैं वो इसलिए कह रहे हैं, सही हैं इस वजह से कह रहे हैं डिंपल जी को वोट करेंगे। सपा का पट्टा भी लगाए, देखना है लहर। आप लोग सपा की आंधी चल रही है, आंधी कैसे हर जगह से चल रही है साइकिल। मैनपुरी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कोई पार्टी आ रहे मैनपुरी पे, ताकत सब एकजुट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैनपुरी विधानसभा में इससे पहले भी कभी साइकिल चलती थी, आज ऐसे उखाड़ फेंक दिया कि साइकिल का नामो निशान नहीं दिख रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा मैनपुरी में भी साइकिल कहीं भी नहीं दिखेगी। मैंने पूरा क्षेत्र घूमा है, मैं समाज से भी हूँ, साक समाज से आता हूँ मैं, सम्राट अशोक की, तथागत गौतम बुद्ध की, हर वर्ष और मैं रोज लगातार हर भाष में इसका प्रचार प्रसार करता रहता हूँ। मैं राजनीति में एक्टिव तब आया हूँ जब रामगोपाल जी ने इतना अभद्र बयान दिया है हमारे आदरणीय नेताजी मौर्य जी के लिए, तो उनको एक बड़े नेता होने के कारण राजनीतिक तरीके से कोई दूसरी बात कर लेते, लेकिन किसी को अभद्र भाषा से बोलने से ये लग रहा है अभी तो ये चुनाव जीते भी नहीं है। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मेरे समाज का क्या होगा? आप पत्रकार महोदय हैं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में आप ऐसे पत्रकारिता करते थे? रात के शाम को 6 बजे के बाद आप लोगों के ही कैमरा और माइक छीन लिए जाते थे रोड पे घेरने के बाद। ये लुटेरे और गुंडों की पार्टी है। अगर ये पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी तो आम आदमी चैन से नहीं जी सकता। ये हमारा
मानना कहता है। और आज देखते होंगे बहन बेटियां रात में आती हैं, सुरक्षित आती हैं। मेरी खुद की बुआ, मैं उदयपुर परम कुटी का निवासी हूँ, और मेरी खुद की बुआ शाम को 7:30 बजे मेरी ताई एक्सपायर हुई थी, वो उसकी उनकी डेड बॉडी देखने के लिए घर से वापस जा रही थी। तो यहीं नगला बंत एक गांव पड़ता है, वहां के कुछ गुंडे लुटेरों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो आदरणीय नेताजी को स्वयं मुलायम सिंह मानने लगते थे जब समाजवादी पार्टी आती थी। तो उन्होंने हमारी बुआ जी को बहुत ही कृत्य घटना से लूटा। उसके बाद जब हम लोग FIR कराने गए, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, हम लोगों की FIR नहीं लिखी गई थी। तो इससे घटिया पार्टी कौन सी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया है मैनपुरी में लड़ेगा मैनपुरी, जीतेगा मैनपुरी, जय भाजपा। किससे जीतेगा? किससे जीतेगा? किससे जीतेगा? वोटों से। मतलब कि कौन जीतेगा, साइकिल या कमल? माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी, आप बताइए। कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, कह रहे हैं कि उस समय गुट लूट और गुंडागर्दी, आज भी लूटपाट चल रही, काट मार चल रही, बलात्कार चल रही, आज कहाँ गई सरकार? कब से 10 साल से चल रही है, कहाँ नहीं क्या हो रहा है? सपा से ज्यादा आज है, कहाँ हर जगह चल रहा है। ऐसे मतलब कि कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे इन्होंने अपने बुआ का ये स्वीकार कर रहे हैं ना, सपा में होता था, सपा से ज्यादा है, ये स्वीकार कर रहे हैं ना, सपा में होता था ना सपा में? ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं, सपा से पहले होता था। आप बताइए आपको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए ना? कैमरा छिने कभी नहीं आप, हमको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए कि ना? ऐसे थोड़ी सरकार गुंडे थे, ये गुंडे, इनको पता है यही जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है, मैं निवासी नगला तकली से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप भी भाभी मान रहे हैं, तो देवर है, नाराजगी क्या? नाराजगी देवर भाभी वाली बात नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं। राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक भाषा अपनाइए, ये गुंडागर्दी वाली भाषा नहीं होती है क्या? आपको नहीं लगता ये गुंडागर्दी वाली भाषा है? चौराहे चौराहे पर पंचायत जोड़वाएंगे, चौराहे चौराहे पर पंचायत, गुंडागर्दी से वोट नहीं पड़ेगा, वोट तो एक राजीबाजी से पड़ेगा, काम से पड़ेगा। अगर जूता दिखाओगे तो वोट कौन डालेगा? नहीं डालेगा। आप भी साक्य समाज के हैं, साक्य समाज को दबाया जा रहा है क्या? नहीं, ये दबाने वाली बात ही और क्या है, ये दबाने वाली बात ही और क्या है? और ये दबाने का मतलब ये हमको, ये अगर ये सरकार बनती है तो हम लोगों को ये उखाड़ देंगे यहाँ से, ये हम लोगों को यहाँ से उखाड़ देंगे और निकाल देंगे, ऐसा कर सकते हैं ये लोग? ये तो ये मतलब जबरदस्ती जूते से वोट ले रहे हैं, ये कहीं वोट नहीं मिलेगा साक्य समाज का, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है, मतलब पूरा साक्य समाज बीजेपी में जा रहा है। अच्छा, ये पंचड़ वाला बयान बहुत असर कर रहा है, बहुत ही गलत है, जूता मारना है, जूता मारना है, गलत बात नहीं, जूता मारना ये तो है, मतलब हुआ तभी इन्होंने कहा था कि तो पूरे पूरे समाज का क्या दिक्कत है, मतलब कि पूरे समाज के लिए थोड़ी यही दिक्कत है। हेलो, हमारा नेता है, हमारे नेते की बेइज्जती को तो हमारी बेइज्जती नहीं है, इसलिए मैं, मेरा खून है, मैं, मेरा भाई है, तो मैं उसके ही साथ रहूँगा, जो उनकी जहाँ तहीं मैं भी रहूँगा। तो इस बार किसको, डिंपल जी या जयवीर? जयवीर सिंह मंत्री जी को। पूरा समाज? पूरा समाज एक तरफा। अरे 400 पार है इस बार तो, ऐसे ही हवा में किया, हवा में ना, बिल्कुल लिबास है ये, सात को मतलब मालूम पड़े कि मतलब 4 जून को देख लेना कि क्या हो रहा है, समझ जाए कि साक क्या होता है। दोनों लोग जा रहे हैं इस बार दिल्ली, भैया भाभी जी, भाई साहब ने बताया था, वो सपा सफाया होना है, बिल्कुल 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 कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा। क्या नाम है भाई साहब? अनुज चौहान। क्या लग रहा है, दोनों लोग जा रहे हैं कन्नौज और मैनपुरी? बात कर रहे हो मैनपुरी, बीजेपी क्या, क्यों बीजेपी? भाई विकास कर रही है यार, जो चूर छोरी पूरी सब बंद है, रोड होल्डिंग नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कच्चा अच्छा धारी ग्रुप सब गायब हो चुके हैं। कौन सा ग्रुप? कच्चाधारी ग्रो, रात में आया करते थे, जो डाका डालते थे वो कच्चाधारी, अब नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। क्या नाम है? राम कुमार राजपूत। कितने साल की उम्र होगी? लगभग 17-18। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप तो 17 साल के हो, आपने क्या उस समय देखा? मतलब शांति, जैसे कि पहले लड़कियां जाती थी और उन्हें डर हुआ करता था कि मम्मी पापा को साथ में ले जाएं, लेकिन अब तो इंडिपेंडेंस जा सकती हैं कहीं भी। आपका क्या नाम है भाई? सुनील साहब। क्या कहेंगे
भाई साहब? मैं चक्रवर्ती अशोक सम्राट सेना का अध्यक्ष हूँ और कारकरी सदस्य हूँ। मैनपुरी लोकसभा में लगभग 3.5 लाख साख समाज है और साख समाज पूरा बीजेपी के साथ है। 3.5 लाख बिल्कुल पूरा का पूरा, क्यों हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, गाँव गाँव मेहनत करते हैं। ये जो घटना कही है ना, इनकी वजह से पूरा समाज मैनपुरी में जयवीर सिंह के साथ है और रहेगा और जीत इस बार दर्ज होगी पहली बार। अच्छा, इस बार साख समाज पूरा माहौल पलट देगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तख्ता पलट देगा मैनपुरी का, मैनपुरी का तख्ता पलट जाएगा बिल्कुल। इस अपमान को पूरा समाज अपना अपमान देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, साख कोसवा मौर्य सैनी सब लोग देख रहे हैं अपमान, पूरा प्रदेश देख रहा है। और जो 400 वाली बात है वो देख लेना आप 4 जून को। साख खराब साइकिलों का पंचर, बिल्कुल बिल्कुल साइकिल तो पंचर हो चुकी है, उनमें हवा भरवाएंगे ना? हवा कुछ नहीं भरेगी, हवा भी नहीं भर, साइकिल खत्म हो जाएगी। जब पहिए नहीं रहेंगे तो हवा कहाँ से भरेगी आप? जब पहिया टायर नहीं रहेंगे तो कहाँ से भरोगे? जब पहिया टायर नहीं रहेंगे तो हवा किस में भरोगे आप? क्या लग रहा, क्या लग रहा है? चोरी डकैती हो रही थी और क्या लग रहा है? यहाँ यहाँ कुछ हो, सपा की पार्टी चोरी डकैती कर रहे थे और क्या कर रहे थे? गुंडागर्दी कर रहे थे, भैंसियाँ खुल रही थी। आज भैंसा भी नहीं खुल रहा है, आज भैंसा भी नहीं खुल रहा है। आज माँ बेटे ने की चोरी हो रही थी, आज कोई नहीं, आराम से डोलते फिरते जय श्री राम जय श्री राम करते हैं और क्या करें। बस पहले खुल जाती थी, और पहले खुल जाती थी पहले सब, अब कुछ नहीं। हाँ परे थे तो वो खोल ले जाते, अब कौन है, अब कोई नहीं खोलता है। अब बढ़िया था उस समय, है बढ़िया था, बढ़िया अभी बढ़िया है। उस समय बढ़िया था नहीं, उस समय कुछ नहीं बढ़िया था, अब बढ़िया है, बहुत बेहतर है। क्या बदल गया? सब कुछ बदल गया, मोदी योगी के राज्य में सब कुछ बदल गया, सब योगी मोदी के राज्य में सब कुछ बदल गया। क्या है अब? तो ये जयवीर सिंह जी कुछ टक्कर दे पाएंगे डिंपल? जयवीर सिंह तो पराजित कर देंगे उनको। किसको? किनको? भाभी को, उनको और किनको? अखिलेश और डिंपल को वो जयवीर सिंह निकाल देंगे दावे के साथ। दावा और क्या? कैसे दावा कर रहे हैं? कैसे दावा? मोर से दावा करेंगे, अपना दावा करेंगे, और किससे दावा करेंगे? वोट से। और क्या? अपने अपने से, अपने वोट से। तो आपके वोट से क्या होगा? अरे हमारे सब परिवार का बहुत वोट है, एक वोट है, समाज का वोट है हमारा सब खटाखट। अरे और क्या? साइकिल। साइकिल क्या? बीजेपी कमल का फूल कह रहे हैं, भूल है ये। अरे भूल नहीं है, आप लोग चूक हो गए, मैं नहीं चूकेंगे, कतई चूकेंगे, कतई क्यों चूकेंगे, क्यों चूकेंगे, क्या मतलब है हमारा चूकने का? कह रहे पछताएंगे, चूक जाएंगे अगर। हम नहीं वो पछताएंगे, क्या कितनी बात मतलब कही है भद्दी जी। हाँ इसीलिए चूकेंगे। कौन चूकेगा? कौन चूकेगा और कौन? भद्दी बात लगी आपको? और क्या भद्दी बात? साख समाज में भद्दी बात नहीं लगी क्या, बताइए आप? तो पूरा समाज ही उससे गुस्सा है। और क्या, समाज भी गुस्सा है सब सारे। क्या मतलब आपको उसमें बुरा लगा? क्या बुरा लगा? यही बुरा लगा जो जो पिंचर जुड़वा देंगे, पिंचर कोई आदमी मतलब बैठा हुआ है वो पिंचर जुड़वाएगा। कह रहे हैं जो पंचर होगा इस साइकिल उनमें ठीक कराएंगे। अब पंच सही ही नहीं होगी, वो तो पहिया भी उतर जाएगा, अब कुछ नहीं रहेगा, याद रख लो दावा के अनुसार से पूरा उतर जाएगा। अरे पूरा उतर जाएगा, रिंग में पता नहीं लगेगी कतई कहाँ चली गई। क्या करते हैं? क्या करते आप? क्या करते हम? क्या खेती बाड़ी करते और क्या? खेती बाड़ी और क्या? तभी बीजेपी। अरे और क्या भाई, हमको सम्मान मिल रहा है इसलिए सम्मान मिल रहा है। तो लग रहा है साख समाज का सम्मान बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सम्मान। और ये साइकिल वाले नहीं बे करते थे तो निंदा क्यों करते थे भाई? निंदा कर रही भर्दी बात कही है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए आपके गाँव में कितने वोटर हैं साख के? हमारे गाँव में 900 वोट हैं पूरा साख। और क्या, तो उसमें कितना किसको मिलेगा? अरे पूरा ही मिलेगा। किसको? किसको? 909 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जयवीर सिंह को, और किसको मिलेगा? पूरा गांव। और क्या, पूरा जिला। और देखिए आप अलग, हम तो ठोंक के आराम से कटाकट करेंगे, जो मेरा वोट है वो हम देंगे। कैसे करेंगे? आराम से लगाएंगे मोहर, निकल आएंगे, और क्या करेंगे, और काम भरी थोड़े ही डालेंगे क्या, अपना वोट डालेंगे भाई। और उनकी तरीका तो रही हो, फर्जी डालें कटाकट, कटाकट नहीं करेंगे, अपना वो सत्य डालेंगे। पहले फर्जी था क्या? अरे फर्जी पहले पढ़ते थे, अब फर्जी नहीं पढ़ते हैं, जब से योगी मोदी हुई तब से। क्या फर्जी पढ़ता था पहले? कैसे फर्जी वाला टकाटक होती थी और क्या 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 समस्याएं थी उस समय पे? अरे समस्याएं बहुत, चोरी और छीना झपटी और क्या है, और कुछ है
अब कुछ नहीं हो रहा है, बढ़िया शासन चल रहा है। जगाते कि ना वोट दियोगे तो फिर तुम रही हो तो यहीं, तब हम तुम्हें देखेंगे। धमकी आती तब ऐसा ना, धमकी वोट देना पड़ता था। उसके बाद इलेक्शन के बाद मैं देखूंगा, जो हमको वोट नहीं देगा उसे इलेक्शन के बाद देखूंगा। जब ये सत्ता में नहीं है तब तो इनकी ये धौंस है, और सत्ता में अक्सर ये आ गए तो ये करेंगे क्या लोगों का। और ये समाजवादी है ना पार्टी, हमारे जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनसे ये पहली सब आपदा से बात नहीं की, इन्होंने सांसद में यही आपदा से बात की थी। अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा था बाप पे गए थे। अब पहली बात तो ये है, सांसद में अभद्रता पे बाप और माँ पे जाना एक कानूनी अपराध है। उनके बोल पर एकदम ही योगी जी ने कहा था कि ऐसा सांसद में होना बिल्कुल ही गलत है, कि हमारे माननीय जैसे हमारे केशव प्रसाद जी मौर्य जी हैं जी, तो हमारे वो एक पूर्व जन हैं, कहने तो हमारे पिता के समान वो हैं, और आपके पिता के अगर ऊपर कोई गंदी वगैरह भद्रता से गाली दे तो आप क्या करोगे उसके साथ, आप क्या करोगे उसके साथ। तो हमारा समाज इतना भी है साक्ष समाज, हम उन्हें बोर्ड के जरिए से उन्हें हम इस चीज़ का जवाब देना चाहते हैं कि अब की बार समाजवादी बिल्कुल ही साफ है, मैनपुरी से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से, और ये अब की बार तो भी ये भिनभिना रहे हैं मकरियों की तरह, अब की बार ये मिठाई पे दिखेंगे भी नहीं बिल्कुल ही कहीं पर भी। ये चोरी चक्का करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी माताओं बहनों को नहीं समझा है। अगर माता बहनों को अखिलेश यादव जी समझते तो राम मंदिर जाते, राम मंदिर जाते नहीं जाते। अब वो कौन था, वो ख़त्म हुआ था अभी मुख्तार अंसारी, उनको सदानी जैन देने चले गए। माननीय वो कल्याण सिंह बाबूजी ख़त्म हुए थे, उनको दो फूल अर्पित करने नहीं गए हैं। क्या ये नेता हैं, किसके साथ हैं? ये समाजवादी अपना खुश अपना भला कर सकता है, किसी और पार्टी का और किसी समाज का पार्टी। ये तो कहते हैं ये परिवार है उनका, मतलब घर है एक तरीके से, तो ये सब तो घर के ही लोग हैं आप लोग। हम उनके कोई घर के नहीं हैं। अच्छा आप मुझ में जूता मार दो फिर को हमारे घर के लोग हैं, हम आपका जूता खा के फिर आपके घर के हम लोग रहेंगे। घर वालों को जूतों से नहीं मारा जाता है। पहली बात तो वो डिंपल भाभी जी आप अपनी बेटियों को साथ में लेके चल रही हैं, उन्हें पक्का ये मालूम है कि आपकी बार मैनपुर से मेरा पता साफ है। बेटियों को भी साथ में लेके चल रही हैं, घुमा रही हैं, लोगों से कहलवा रही हैं कि वोट देना वोट देना, और उधर से शिवपाल चाचा ऊपर से जूता मारते हैं, साल वोट नहीं देखे फिर हम देखेंगे। हाँ राम राम गोपाल जी कह रहे हैं सालों जूता मारेंगे, आगे पंचे जुड़वाएंगे, आगे बाप पे जाएंगे, फिर आगे माँ पे आएंगे, फिर वही पुरानी वाली हरकत करेंगे माता बहनों के साथ। ये बस में चढ़ते थे, किसी को अमरूद मिलते थे, किसी को सेव मिलते थे समाजवादी पार्टी में। उस समय की बात है जिस समय ये समाजवादी पार्टी शासन में थी, उस समय इनको माता बहनों के वो ऐसी गंदी बात है कि कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसे उन लोगों ने हरकत की माता बहनों के साथ, ये सब समाज जानता है, हर कास्ट के साथ की, सिर्फ यादव लोगों के अलावा हर समाज, नीचे कौम वालों को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। ऐसी माता बहनों के साथ उन्होंने ये हरकत की है कि कुछ सीमा ही नहीं इसकी है। अब क्यों लोग घूम रहे हैं, 4 बजे के बाद कोई आदमी घर से नहीं निकलता था, 4 बजे के बाद आदमी रास्ता बदल देता था कि भैया ये रास्ते से मुझे नहीं जाना, क्यों आगे बैठे साले लूटने वाले। हम अगर 10,000 रुपये जेब में डालें वो भी साल निकल जाते थे, अब हम लाख लाख रुपये डाल के जा रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा भैया कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। अच्छा आपने कहा क्राइम उस समय पे बहुत था, ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि पूरा साक समाज का अपमान है, तो आप तो पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप समाज पे क्यों जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरे उसको लेके चलिए और जिताइए भैया जी को साइकिल और भाभी जी को। समाज को लेके नहीं चलते, अगर वो अभद्रता से बात नहीं करते, राम मंदिर जाते, भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए हैं, हम लोगों के जो लोधी राजपूतों के पूजनीय पिताजी हैं श्री कल्याण सिंह जी, उनकी मृत्यु हुआ पर श्रद्धांजलि देने नहीं गए, तो ऐसे नेता का हम क्या करेंगे। अच्छा वो तो अखिलेश जी ने गठबंधन जो बनाया है, पीडीए की भी बात करते हैं, पिछला दलित अल्पसंख्यक उनका मोर्चा है, उसमें कहते हैं हम जो अपमान हो रहा है बीजेपी में उसका बदला हम लेने के लिए तैयार। वो खुद अपमान करने वाले अपमान क्या कहाँ देंगे, वो खुद अपमान जो देने वाला इंसान है वो सम्मान किसे देगा, खुद अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए वो, मंच पे नकलू में मंच पर माइक छीन के उनसे अलग धक्का मारे निकाल रहे हैं, तो वो सम्मान क्या करें। खुद अपने पिता का जो सम्मान नहीं कर सकता वो संसार में किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। और बहरहाल अपने जात के अलावा उन्होंने किस जात के साथ कौन सा किया है। तो मैनपुरी में इस बार क्या है, मतलब आपके हिसाब से मैनपुरी में आपकी बार बीजेपी बिल्कुल ही पार है और सपा बिल्कुल ही साफ है। कुछ है इनका जयवीर सिंह, जयवीर सिंह का सबको जयवीर सिंह का ही है भैया, जो हम लोग खुले मैदान में आप भी ये डिबेट कर रहे हैं, ये जयवीर सिंह की माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है जो आप ये डिबेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे खड़े होकर। इतने में आप भी गायब होते और हम भी गायब होते मिलने से। अरे दादा यही समानता यही था, आप भी गायब थे हम भी गायब थे, वो जमाना ये था, वो जमाना गुजर गया। अब ये उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये जमाना लौटने वाला नहीं भैया, वो आने देंगे कभी नहीं भैया। सपने सोचना बंद कर दें, हाँ। अब पार्टी का नाम चेंज करके कोई दूसरी पार्टी बना के आए, नाम तो चेंज करवा रहे हैं, वो ही अच्छा रहेगा उनके लिए, हाँ। कि समाजवादी तो बिल्कुल हिसाब हो गई है, हाँ। उसके बाद कोई किसी से लेन देना रहेगा, भर जाएगी जब पंचर जुड़ जाए। नामांकन करने के लिए डिम्पल भाभी यहाँ पे आई, तो सब सगे परिवार ही लेके आई है भाई, और भी किसी कास्ट के ले लेते अगर इतनी भी तुम्हें चिंता थी, परिवार बात के अपने साथ में चलते हो लेके। अरे माननीय जयवीर सिंह जी गए हैं, सब समाज के लोग उसमें थे जी। अखिलेश भैया भी नामांकन कर दिए कन्नौज में, दोनों लोग कर दिए, उनका तो कोई ठिकाना नहीं बेचारों ने कैसे कर दिया है। वो तो भड़कनी आत्मा है, कहीं यहाँ भड़कते हैं कहीं वहाँ भड़कते हैं, उनका ये डिसीजन ले पाते हैं, लड़ना कहाँ से मुझे है, मुझे लड़ना कहाँ से है। आज गए कह रहे हैं आप दोनों लोग दिल्ली जाएंगे, अरे वो कन्नौज गए तो हैं, उन्हें वहाँ पर भी शंका है, अगर हो सकता है वो नामांकन वापस भी ले लेंगे भैया, देखते रहना आप। कभी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, उन्हें डर है क्योंकि उन्होंने इतने गलत काम किए हैं कि समाज जितना ही समाज है, ये नहीं कहे ये साक समाज है या लोध समाज है, जितना भी समाज है उनका खुद का या तो समाज उनके खिलाफ है, क्योंकि उनके गुंडागर्दी की वजह से। और उन्होंने जो यहाँ पे लगभग कितना वोट होगा साक के समाज का, फर्स्ट नंबर 3 लाख मैनपुरी जिला में 3.5 लाख वोट है साक के समाज का जिला मैनपुरी लोकसभा में, मतलब यादवों के बाद दूसरे नंबर पे साक जी जी। और अगर स्टार हमारे योगी जी ने तो वो करिश्मा किया है, यादव समाज भी आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, कभी काफी बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में रहा करते थे, आज वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे उनकी शरण में आके और बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।